नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो में। दोस्तों, आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित टॉप 25 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का मिक्स क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे, जो आपके पिछले एग्जाम में बहुत बार पूछा गया और आपके एग्जाम में भी पक्का आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका टॉप 25 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, वेरी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेट, यानी कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है। ऑप्शन आपका हैदराबाद है, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी वाराणसी। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो होता है वो आपका दिल्ली में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेता है कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर होता है, तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो होता है आपका हैदराबाद में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन दो नंबर क्वेश्चन की ओर। दो नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, देयर आर नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन, यानी कि मानव में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन आपका 639, ऑप्शन बी 637, ऑप्शन सी 638 या ऑप्शन डी 640। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, मानव में मांसपेशियों की संख्या जो होता है वो आपका 639 होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 639, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों से पेशियों की संख्या पूछेगा तो पेशियों की संख्या जो होता है आपका 400 होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तीन नंबर क्वेश्चन की ओर। तीन नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि द लीनिंग टावर ऑफ पिसा इज इन, यानी कि झुके मीनार के लिए प्रसिद्ध पिसा कहां पर स्थित है। ऑप्शन आपका ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी फ्रांस में, ऑप्शन सी इटली में या ऑप्शन डी स्पेन में। तो जल्दी से बताना कि पिसा जो होता है वो कहां पर स्थित है। तो देखिएगा, पिसा जो होता है वो आपका इटली में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इटली, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और ओपेरा हाउस जो होता है आपका ऑस्ट्रेलिया में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन चार नंबर क्वेश्चन की ओर। चार नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेर इज भांगड़ा पॉपुलर डांस, यानी कि भांगड़ा कहां का लोकप्रिय नृत्य है। आपको बताना कि भांगड़ा जो होता है वो कहां का लोकप्रिय नृत्य है। ऑप्शन आपका हरियाणा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब या ऑप्शन डी गुजरात। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, भांगड़ा जो होता है वो आपका पंजाब का एक लोकनृत्य होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी पंजाब, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और डांडिया जो होता है आपका गुजरात का होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पांच नंबर क्वेश्चन की ओर। पांच नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, फ्रोमिश फील्ड गणेश शंकर विद्यार्थी अवार्ड इज रिलेटेड, यानी कि गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन आपका खेल, ऑप्शन बी उत्कृष्ट समाज सेवा, ऑप्शन सी संगीत या ऑप्शन डी पत्रकारिता। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार जो होता है आपका पत्रकारिता में दिया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी पत्रकारिता, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन छह नंबर क्वेश्चन की ओर है। छह नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि मैत्री एक्सप्रेस रेल सर्विस इज रिलेटेड विथ, यानी कि मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध किससे होता है। आपको बताने की मैत्री एक्सप्रेस जो होता है वो किस देशों के संबंध में होता है। ऑप्शन आपका भारत पाकिस्तान है, ऑप्शन बी भारत बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत नेपाल है या ऑप्शन डी भारत भूटान। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी भारत बांग्लादेश, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन सात नंबर क्वेश्चन की ओर। सात नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच कंट्री इज नोन एज प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप, यानी कि किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। ऑप्शन आपका ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी हॉलैंड, ऑप्शन सी नॉर्वे या ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, यूरोप का खेल का मैदान जो कहा जाता है वो आपका स्विट्जरलैंड को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि लैंड ऑफ द मिडनाइट सन किसे कहा जाता है, तो लैंड ऑफ द मिडनाइट सन जो कहा जाता है वो आपका नॉर्वे को कहा जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन आठ नंबर क्वेश्चन की ओर। आठ नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन पूछा और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच गैस इज अ नोबेल गैस, यानी कि कौन सी गैस है नोबेल गैस है। आपको बताना कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी गैस है जो उत्कृष्ट गैस है। ऑप्शन आपका हाइड्रोजन है, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी ऑक्सीजन है या ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, नोबेल गैस पूछा गया है तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हीलियम जो होता है वो आपका नोबेल गैस होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नौ नंबर क्वेश्चन की ओर। नौ नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज, यानी कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। ऑप्शन आपका अग्नाशय, ऑप्शन बी लार ग्रंथि, ऑप्शन सी यकृत या ऑप्शन डी अधिवृक्क ग्रंथि। तो जल्दी से बताना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है। तो देखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है आपका यकृत होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी यकृत, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन दस नंबर क्वेश्चन को। दस नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में लेकिन आएगा उसे ऑल पे दबाना, और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक एक लाइक तो बनता है, तो जाकर के जल्दी से एक एक लाइक कर देना है। तो देखिएगा, दस नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि
इज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म इन द ह्यूमन आई, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंखों में कहां पर बनता है। आपको बताना है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो मनुष्य की आंख में कहां पर बनता है। ऑप्शन है आपका कॉर्निया में, ऑप्शन बी आइरिस पर, ऑप्शन सी प्यूपल पर, या ऑप्शन डी रेटिना पर। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी रेटिना, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को, 11 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बक्साइट इज द ओर ऑफ, यानी कि बक्साइट का एस्क, आपको बताना है कि बक्साइट इन चारों ऑप्शन में से किसका एस्क है। ऑप्शन आपका लोहा का, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी टीन, या ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो आप सभी को पता होगा कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन को, और 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लोटिंग, यानी कि रक्त के थक्के बनने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। ऑप्शन आपका विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन के, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा रक्त के थक्के बनने के लिए किसका आवश्यक होता है, आपका विटामिन के का होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी विटामिन के, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो आंवला में जो होता है आपका विटामिन सी पाया जाता है, इसे आपको ध्यान में रखना है, और गाजर में जो होता है आपका विटामिन ए पाया जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को, 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ कोल गैस सीज, यानी कि कोल गैस का सबसे बड़ा घटक कौन है। ऑप्शन आपका मिथेन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, या ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा कोल गैस का सबसे बड़ा घटक जो होता है वो आपका हाइड्रोजन होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सबसे ज्यादा मात्रा जो होता है वो आपका हाइड्रोजन का होता है, लगभग 50% होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को, और 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि बायोकेमिकल कंपाउंड्स आर यूज्ड एज, यानी कि जैव रासायनिक यौगिक किन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका त्वचा का उपचार के लिए, ऑप्शन बी खाद संरक्षण के लिए, ऑप्शन सी खाना पकाने का तेल, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को, और 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सोल्यूबल विटामिन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी जो होता है आपका पानी में घुलनशील विटामिन है, इसे आपको ध्यान में रखना है, और विटामिन बी भी होता है आपका पानी में घुलनशील होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है, यानी कि बी और सी जो होता है आपका पानी में होता है, और केड़ा जो होता है, मैं आपको यहाँ पर शो भी कर देता हूँ, केड़ा जो होता है वो आपका वसा में होता है, यानी कि विटामिन के ई डी ए जो होता है वो आपका वसा में घुलनशील विटामिन है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को, और 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किसके जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, या ऑप्शन डी पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है, इसे आपको ध्यान में रखना है, और देखिए राष्ट्रीय एकता दिवस जो होता है वो आपका 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन को, 17 नंबर क्वेश्चन में आप सभी को होमवर्क के तौर पर दूंगा। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इंदिरा गांधी गोल्ड कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, यानी कि इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन आपका हॉकी, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी क्रिकेट, या ऑप्शन नंबर डी फुटबॉल। इसका राइट आंसर आप सभी को SW करके कमेंट बॉक्स में बताना, मैं सभी का कमेंट पढ़ने वाला हूं, तो जाकर के जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन को, और 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ऑप्शन आपका 5 वर्ष है, ऑप्शन बी 6 वर्ष है, ऑप्शन सी 3 वर्ष है, या ऑप्शन डी 4 वर्ष। तो जल्दी से बताना कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो देखिएगा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है आपका 6 वर्षों का होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन की ओर, 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विथ विच स्पोर्ट इज पहले रिलेटेड, यानी कि पहले किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन आपका टेबल टेनिस, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी हॉकी, या ऑप्शन नंबर डी बेसबॉल। तो देखिएगा पहले का संबंध जो होता है आपका फुटबॉल खेल से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन की ओर, 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक लोकेटेड, यानी कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है। ऑप्शन आपका पेरिस, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, या ऑप्शन डी वाशिंगटन। तो जल्दी से बताना कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो देखिएगा विश्व बैंक का मुख्यालय जो होता है वो आपका कहां पर होता है, वाशिंगटन DC में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाशिंगटन, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिएगा UNO यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो होता है वो आपका न्यूयॉर्क में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और UNO का स्थापना जो हुआ था वो आपका 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते
नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन को, और 21 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था। आपको बताना है कि वेयर डिड गौतम बुद्ध गिव हिज फर्स्ट सर्मन। ऑप्शन आपका बोध गया, ऑप्शन बी लुम्बनी, ऑप्शन सी सारनाथ है, या ऑप्शन नंबर डी कुशीनगर। तो देखिएगा गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था वो आपका सारनाथ में दिया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सारनाथ, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन को, और 22 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जमशेदपुर सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, यानी कि जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन आपका दामोदर, ऑप्शन बी स्वर्ण रेखा, ऑप्शन सी गंगा, या ऑप्शन डी गोदावरी। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा जमशेदपुर जो होता है वो आपका स्वर्ण रेखा नदी पर बसा है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन को, और 23 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द कलर ऑफ ओजोन गैस, यानी कि ओजोन गैस का रंग कैसा होता है। आपको बताना है कि ओजोन गैस का रंग कैसा होता है। ऑप्शन आपका पीला रंग है, ऑप्शन बी नीला रंग, ऑप्शन सी नारंगी रंग, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा ओजोन गैस का रंग जो होता है वो आपका नीला होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन को, और 24 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच लेंस स्पीसीज आर गिवन टू द पेशेंट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ मायोपिया, यानी कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए मरीज को किस लेंस का चश्मा दिया जाता है। और मैं आपसे भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन का उसे ऑल पे दबाना, और आपका सपोर्ट इस टाइम बहुत ही कम हो रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो ताकि हमारा भी कुछ हेल्प हो सके। तो आपसे रिक्वेस्ट है कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर देना। तो देखिएगा निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए मरीज को ऑर्थो लेंस का चश्मा दिया जाता है, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ऑर्थो लेंस, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन को, और 25 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इफ देयर वाज नो एटमॉस्फेयर व्हाट वुड बी द कलर ऑफ द स्काई बी लाइक, यानी कि यदि वायुमंडल नहीं होता तो आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन है आपका काला, ऑप्शन बी उजला, ऑप्शन सी लाल, या ऑप्शन डी हरा। तो देखेगा यदि वायुमंडल नहीं रहेगा तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आज का क्लास हमारे पर खत्म होता है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपसे रिक्वेस्ट है जाते जाते एक एक लाइक कर देना, और आर्मी क्लासेस पर भी लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है तो जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपका 25 में से कितना क्वेश्चन सही होता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।